भगवान है कौन? वेद, वेद वाक्य उपनिषदों के अंदर ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, जो देवकी का पुत्र है यही पर ब्रह्म है। सरल संस्कृत, ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, देवकी का पुत्र कौन है? कृष्ण भगवान। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः, के सारे देवता जो हैं वो भगवान विष्णु के चरणों के क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ऋग्वेद में है ये। अब देखिए, अब गीता में लेते हैं। देखिए भगवान गीता को तो कोई प्रभु जी डिनाई कर नहीं सकता। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ भगवान ने जहाँ अहम और माम का इस्तेमाल किया है वह कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे गीता लोगों ने निकाल दी कि नहीं नहीं गीता कृष्ण ने नहीं बोली थी। अबे मूर्ख, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमारे जितने आचार्य गण आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजा माधवा माध निम्बार्का विष्णु स्वामी इन सबने कहा है कि गीता किसने बोली है। और ये टटपुंज जी पता नहीं कहां से आ गए, कहते हैं कि गीता कृष्ण भगवान ने नहीं बोली। तो भगवान क्या कहते हैं? देखिए भगवान कहते हैं उद्गम और सोत्र मूल का कारण मैं ही हूं। क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही आती है। आगे गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। यहां कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही। अब आपको एक और क्लियर करता हूं, ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। मुझे समस्त यज्ञ भोक्तारम, अब ध्यान रूप सुनिएगा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदिम सर्वभूतानाम ज्ञात्वमाम शांतिम रच्छति। हम लोग सब सुख ढूंढ रहे हैं ना प्रभु जी। यहाँ ये फॉर्मूला है, पीस का फॉर्मूला, शांति का फॉर्मूला क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्या को भोगने वाला भगवान कहते हैं मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर हूं, महाईश्वर, ईश्वर नहीं महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का मित्र हूं। हकीकत में भगवान तो हमारे मित्र हैं, परंतु हम भगवान के मित्र नहीं बने। प्रॉब्लम प्रभु जी ये ध्यान रखिएगा, आज आप कहते हो, आप स्वयं बोलते हो घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। तो भगवान तो हमारे मित्र थे, हैं और रहेंगे। अब हमें भगवान का मित्र बनना है। भगवान तो कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं तो सारे जीवों का मित्र हूं। और कैसा मित्र हूं? ध्यान रखिएगा प्रभु जी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तीन प्रकार के मित्र होते हैं। एक मित्र कैसा है प्रभु जी? आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कॉलोनी में रहते हैं, हाँ सब ठीक है, सब वॉकिंग में मिलते हैं ना प्रभु जी। दूसरा क्या है? फॉर्मल मित्र। फॉर्मल को हिंदी में कहेंगे औपचारिक, औपचारिक मित्र। और कैसे हो, हाथ मिलाया है। और एक मित्र है अनौपचारिक, वो कैसा है प्रभु जी? वो आपका हित करने की सोच रहा है हर टाइम, आपको देख रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस के अंदर, तो आपको आता है अरे तूने वो टेंडर देखा, वो टेंडर निकला था, उसको तू ले, उसको कर, तेरे पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बीमार हो, मैं उस वैद्य के बारे में सुना है, उस डॉक्टर के बारे में सुना है। इस तरीके के हैं भगवान सुहृद। सुहृद का मतलब जो आपकी भला सोच रहा है, जो इनएक्टिव मित्र नहीं है, वो आपका हर समय भला सोच रहा है, उस प्रकार के मित्र है भगवान। परंतु हम नहीं बनते उनके मित्र, प्रॉब्लम ये है। ज्ञात्व माम शांतिम रच्छति, जो ये जान जाता है मैं उसको शांति रच देता हूं, दे देता हूं। और शांति मिलते क्या मिलेगा प्रभु जी? सुख आनंद की प्राप्ति होगी। कृष्ण ही पर ब्रह्म है। अर्जुन कहते हैं गीता के अंदर परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महंतम हैं। तो लोग कहेंगे अर्जुन तो उनका चेला था, मक्खन मार रहा है। हाँ क्यों नहीं पूछ सकते हम? तो अर्जुन जानते थे कलयुग के जीव हैं ये, सीधी उंगली से तो घी इनका कभी निकलता नहीं है, टेढ़ा ही करना पड़ेगा। तो अगले श्लोक में उन्होंने क्या कहा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, वेद व्यास असित देवल नारद ये सारे बड़े बड़े जितने ऋषि मुनियों ने इस बात को स्वीकार किया है। ब्रह्मण्यो देव की पुत्र हो, कि देव की पुत्र ही है वो, जो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय नमो नमः। गोपाल तापणी उपनिषद
कि भगवान सच्चिदानंद रूपाया कौन, कृष्णाया नमो नमः, वो हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, बता चुका हूं परमेश्वर के बारे में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। और क्या कहते हैं देखिए, ब्रह्म संहिता के अंदर आता है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्याम पुनार पुरुषम नवयोवन च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद आप ही आदि पुरुषों में आपको क्या करता हूं, भजने का मतलब ध्यान रखना भक्ति करना, भजने का मतलब ये नहीं कीर्तन ही सिर्फ करना, क्या करना प्रभु जी, नौ सारे नौ अंग, नवेदा भक्ति, और नवेदा भक्ति का परिकाष्ठा क्या है, संपूर्ण समर्पण।